नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी पीसीएस, स्टेट पीसीएस, यूपीएससी के लिए फिर से 7 क्वेश्चन लेके आ गए हैं, प्लस एक रीजनिंग वाला क्वेश्चन भी देंगे। अभी तक 20 क्विज हो चुकी हैं, ये 21 नंबर की क्विज है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ये 7 क्वेश्चन मैं पूछूंगा, फिर मैं लास्ट में सबके जवाब दूंगा एक्सप्लेनेशन के साथ। हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन का आंसर दीजिए, इतना आसान भी नहीं है, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, चार स्टेटमेंट है, चारों में से करेक्ट वाला बताना है, ये चार ऑप्शन है। पहला सवाल ये हो गया, जल्दी से बताइए इसका आंसर। देखिए स्कोर आप जरूर बताया करिए, आप लोग स्कोर नहीं बता रहे हैं, अब कम से कम इतना तो करिए, मैंने अभी कंटिन्यू कर दिए तो स्कोर तो आपको बताना चाहिए, तब ये तो लगे कम से कम कि आप सीरियस हैं। ये दूसरा सवाल है, दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, दोनों में से करेक्ट वाला बताना है, जल्दी से बताइए दोनों में से करेक्ट वाला। तीसरा ये सवाल है, SCO के इनमें से कौन कौन से मेंबर हैं, शंघाई 5 हुआ था और फिर ये SCO बन गया था। अच्छा, SCO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? देखिए दूसरी बात ये कि जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, UPSC, स्टेट PCS के लिए बहुत ज़रूरी है, SSC के लिए भी इवन, मैंने पूरे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की एक वीडियो समरी बना चुका हूँ मैं, 2 घंटे की करीब है, आप उसको देख लीजिएगा यूट्यूब पे, ऑल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आप क्लिक के करिएगा, उसी की PDF मैंने फ्री में अपलोड कर दी यहाँ पे, ये हमारी वेबसाइट, आप इसमें GK सामान्य ज्ञान वाले पेज पे जाइए, पूरी PDF वहाँ पे अपलोडेड है, आप पढ़ लीजिए जाके। देखिए ये दिखा रहा हूँ, ये जो है आपकी, ये पूरा आपको मिल जाएगा, ये दिख रहा है ऑल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इस पर आप क्लिक करेंगे, पूरी PDF आपकी यहाँ पे आपकी स्ट्रीम हो जाएगी और आप पूरी PDF पढ़ सकते हैं। 5-10 सेकेंड का टाइम लगेगा क्योंकि ये PDF थोड़ी लंबी सी है, ठीक है, लेकिन आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं, पूरी फ्री है ये। देखिए देख रहे हैं, ये पूरी मेरे जो नोट्स हैं, और ऐसे ही UPPCS के सभी नोट्स मैं दे दूंगा अभी आपको यहाँ पे वेबसाइट पे, UPPCS सेंसस वाले नोट दे चुका हूँ। देखिए इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पे ऐसे आएंगे, अब फिर ये देखिए जो पेज लिखा है ना, इसमें आप आगे की तरफ बढ़ते जाइए और पढ़ते जाइए, ये है, इसको क्लिक करेंगे दूसरा पेज आ जाएगा, इसको क्लिक करेंगे तीसरा पेज आ जाएगा, ऐसे करके आप पूरा पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, UPPCS के प्रीवियस ईयर के पेपर भी आपको मिल जाएंगे। अभी देखिए यूपी का सेंसस भी मैंने यहाँ पे कर दिया है, आप सेंसस देखिए, सेंसस के जो फाइनल फैक्ट्स हैं UPPCS के, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, GK सामान्य ज्ञान, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पेज है यहाँ पे। ठीक है, देखिए जैसे यूपी सेंसस है, आप इसकी PDF अपलोडेड है, आप पढ़ लीजिएगा, उसके अलावा जो मैं बता रहा हूँ वो आप जरूर देख लीजिएगा, जैसे आपका ये जो है एंशियंट इंडिया मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर IS PCS SSC, ठीक है, और ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है वेबसाइट। ठीक है, ऐसा कोई टेंशन नहीं कि हिंदी में इंग्लिश में, और ये इन्वायरमेंट वाले जरूर पढ़ लीजिएगा, हिस्ट्री वाले और पॉलिटी वाले सब NCERT और जो बेसिक कॉन्सेप्चुअल बुक है वहाँ से। देखिए ये इंग्लिश है, इसको आप हिंदी में चूज़ करेंगे तो हिंदी में आ जाएगा। चलो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो कितने हो गए आपके क्वेश्चन, यहाँ से हमने पूछना चालू किए थे 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन ये है, चारों का आंसर बताइए जल्दी से, 3 स्टेटमेंट है, तीनों में से करेक्ट 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 वाला बताना है, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, बताइए। ये हो गया आपके कितने, 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, ये हमारे पेड ग्रुप का टेस्ट है, आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, 7838692618, काफ़ी सारी चीज़ें उसमें होने वाली हैं, स्पेसिफिकली UPPCS के लिए है ये, और काफ़ी आपका पूरी तैयारी करा दी जाएगी, पूरा गाइडेंस किया जाएगा, जो टेस्ट होता है हर टेस्ट का एक सिलेबस होता है, उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग टेस्ट बनता है, तो आपके जो भी आप टॉपिक पढ़ेंगे वो पक्के होते जाएंगे, प्लस उसके अलावा डिस्कशन वाले ग्रुप में काफ़ी सारे डिस्कशन होते हैं। पांचवा क्वेश्चन है आज का, देखिए नेक्स्ट टेस्ट है ये, पहला ये आपका पांचवा क्वेश्चन है, ये 3 स्टेटमेंट दिए हैं, आपको पहचानना है इनमें से प्लैनेट का नेम क्या है, किस प्लैनेट की ये 3 प्रॉपर्टी हैं, जल्दी से बताइए। ठीक है, छठा क्वेश्चन है, इनमें से आपको करेक्ट वाला बताना है, जल्दी से बताइएगा इसमें भैया जी और दीदी जी, करेक्ट वाला। ठीक है, 2 स्टेटमेंट हैं, दोनों में से करेक्ट, अभी लास्ट में एक्सप्लेन करूंगा, और ये लास्ट क्वेश्चन आज का ये वाला। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन ये, इसका आंसर बताइए जल्दी से। पहली बात तो इस क्वेश्चन में कुछ और भी डिस्कस करना है मुझे, जल्दी से बताइए, किसको किसको इम्पीच कर सकता है पार्लियामेंट, उसके टर्म्स जो भी हैं, मतलब जो भी उसका टाइम पीरियड है, उसको एक्सपायर होने से पहले, तो ये 7 क्वेश्चन हो गए, उसके अलावा ये एक रीजनिंग क्वेश्चन है, आप इसमें ये बताना है आपको, इसमें से टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल कितने हैं, और टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं, जल्दी से बताइएगा इसका आंसर, और अब देख लेते हैं सबके आंसर। पहला क्वेश्चन आज का जो था ये था, इसमें आपको करेक्ट बताना था, तो इसमें से करेक्ट क्या क्या है, इसमें से करेक्ट है सी, यानी कि 1, 3, 4, 2 वाला नहीं है, क्योंकि 2 वाले में लिखा है ओनली रिवर टू क्रॉस द इक्वेटर,
ट्वाइस फॉल्स इनटू इंडियन ओशन, ऐसा नहीं है वो कहाँ पे आपकी फॉल करती है, आपकी अटलांटिक ओशन में फॉल करती है, ठीक है। और उस रिवर का नाम क्या है, मैं कई बार बता चुका हूँ, रिवर का नाम जल्दी से बताइए क्या है रिवर का नाम, ये आपको रटा होना चाहिए एसएससी एसएससी जैसे और स्टेट पीसेस जैसे एग्जाम में तो जरूर आ सकता है। बाकी 134 बिल्कुल करेक्ट है। अफ्रीका का जो हाईएस्ट माउंटेन है माउंटेन किलिमंजारो, और ऑब्वियस सी बात है तंजानिया में है। रिवर लिम्पोपो जो है साउथ अफ्रीका की, वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन को दो बार क्रॉस करती है। माही एक छोटी सी रिवर है इंडिया में जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को दो बार क्रॉस करती है। पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका सी, दूसरे क्वेश्चन का आंसर भी सी ही है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। एक लॉजिक का क्या मतलब होता है कि आप ये समझ लीजिए एक हाउस होल्ड टाइप का होता है, प्लांट जो भी हैं ह्यूमन मानव दानव एनिमल माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब यहीं रहते हैं। फादर ऑफ इकोलॉजी इंडिया में बोलते हैं रामदेव मिश्रा जी को। दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर है दोनों सही है। तीसरा वाले में आपको एससीओ के मेंबर बताने थे और इसमें से आप बताइए सी है इसका ऑप्शन, 1 2 3 4 5 तीनों ही है सही, ठीक है। चौथे वाले क्वेश्चन में आपको करेक्ट वाला बताना था, इसका आंसर है आपका बताइए बी 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 है, ठीक है। पहला दूसरा बिल्कुल सही है, पेट्रोलियम और उसके डेरिवेटिव को ही ब्लैक गोल्ड कहते हैं और ये सब नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज हैं जैसे कि विंड टाइडल सोलर और न्यूक्लियर। इंडिया क्यों नहीं कर सकता यार, बहुत सारे यहाँ पे रिसोर्सेज हैं, सोर्सेज हैं जियो थर्मल एनर्जी के जम्मू कश्मीर में हिमाचल प्रदेश में। तो एकदम करेक्ट, ये इनकरेक्ट वाला स्टेटमेंट है थर्ड वाला, एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन उठाया है मैंने ये। तो इन दोनों में से तीनों में से दो करेक्ट है सिर्फ, इसका आंसर होगा आपका बी। तो इसी के साथ ये वाला चार हो गए खत्म और बाकी अब ये वाले तीनों में ये वाला बताना है आपको। देखिए आइडेंटिफाई प्लैनेट नेम है, इसका आंसर क्या होगा बी, यानी कि वीनस होगा। वीनस जो है वो अर्थ के क्लोजेस्ट प्लैनेट है, हॉटेस्ट है, सबसे ज्यादा गर्म प्लैनेट है सोलर सिस्टम का, ठीक है। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है शुक्र और सबसे ठंडा ग्रह है नेपच्यून। वो देखिए एक बार मैंने बताया था शायद एनसीईआरटी वाली में कि यूरेनस है, लेकिन एक्चुअली ज्यादातर सोर्सेज में अगर आप देखेंगे तो नेपच्यून ही है वो, ठीक है। नेक्स्ट वाला है ये मैगलन स्पेसक्राफ्ट, इसी के लिए किया गया था लॉन्च, तो इसका आंसर है बी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, डी है। इन दोनों में से दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। स्ट्रेंथ जो है सुप्रीम कोर्ट की वो तो ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ने फिक्स की थी, लेकिन ये पार्लियामेंट के द्वारा चेंज क्यों नहीं की जा सकती यार, बिल्कुल की जा सकती है। तब तो 8 थी, आज तो 31 है और 31 में से भी 24-25 तो लोग हैं इसमें, कुछ वैकेंसी हैं। दूसरा वाला भी गलत है क्योंकि अगर कोई ऐसे रिकमेंडेशन दी गई है जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा, मतलब कोई नॉर्म्स नहीं माने तो फिर कैसे बाइंडिंग हो जाएगा। ये लक्ष्मीकांत का डायरेक्ट स्टेटमेंट है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं जनरली। ये लास्ट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन मैंने अपने ग्रुप में, ये क्वेश्चन ही एक्चुअली गलत है। यहाँ पे अगर आप टेक्निकली देखेंगे तो ये जो इम्पीचमेंट का वर्ड है सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए यूज़ किया जाता है, बाकी सबको रिमूव किया जाता है, ठीक है। रिमूवल प्रोसेस सेम है लेकिन इम्पीचमेंट और रिमूवल में अंतर है। अंतर क्या है ये देखिए, ये है अंतर कि अगर आप देखेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड मेंशन है, ठीक है, प्रेसिडेंट के लिए क्या वर्ड है, इम्पीचमेंट यानी कि महाभियोग, और जो जो ये आपके जजेज हैं या फिर बाकी जो लोग हैं सीईसी जो हैं इनको रिमूव किया जाता है, इम्पीच नहीं किया जाता है। ग्राउंड क्या होता है, दोनों का ग्राउंड भी अलग है क्योंकि इम्पीचमेंट का ग्राउंड क्या है, वॉयलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो कि प्रेसिडेंट का है। रिमूवल का क्या है, मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, ठीक है। प्रोसीजर भी दोनों का अलग अलग है क्योंकि अगर आप देखेंगे कि जो ये वाला है आपका इम्पीचमेंट वाले में, आपको पहली बात तो ये कि जो मोशन है वो 1/4 जो टोटल मेंबरशिप होगी वो आपकी करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, 1/4 लोग साइन करने चाहिए, और जबकि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेज हैं हाई कोर्ट के जजेज हैं उनके लिए क्या है, उनके लिए आपका ये देखिए जो रिजोल्यूशन है आपने देखा ही है कई बार, तो उसके लिए क्या है कि जजेस के लिए तो अगर लोकसभा में मान लीजिए स्टार्ट करना है तो 100 मेंबर चाहिए और राज्यसभा में 50। जैसे अभी आपने देखा था जो दीपक मिश्रा जी हैं हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनके लिए जो अपोजिशन वाले कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि वही 50-54 मेंबर थे, उसी लिए वो एक्सेप्ट करने के लिए कह रहे थे। तो दोनों में डिफरेंस है। और देखिए जो उसमें फाइनल अगर आपको पास करवाना है इम्पीचमेंट का, तो उसमें भी क्या है, 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप है ऑफ द हाउस, ठीक है। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं, इम्पीचमेंट की प्रोसेस और टफ है, ठीक है। और जो आपके जजेस के रिमूवल के लिए वहां पे क्या है, वहां पे स्पेशल मेजोरिटी है, वहां पे मतलब ये है कि 2/3 ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग, जितने लोग प्रेजेंट होंगे उनमें से जो वोट कर देंगे, और प्लस वहां पे दूसरी कंडीशन क्या है कि एब्सोल्यूट मेजोरिटी ऑफ द हाउस। तो मतलब जो इम्पीचमेंट प्रोसेस है और टफ है,
ये मेरे पेड ग्रुप में भी शायद मैंने गलत बता दिया था, मैं उनको भी इसीलिए भेजूंगा, ठीक है? तो ये आप याद रखिएगा। तो ये है लास्ट क्वेश्चन का आंसर, मुझे लगता है ठीक से आपको समझ में आया होगा। और प्लीज़ अपना स्कोर जरूर बताइएगा, कितना आपका स्कोर आ रहा है। पेड ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप हमारा व्हाट्सएप नंबर ले लीजिए, 7838692618, आप इस पर क्वेरी कर सकते हैं। और ये हमारा जो ग्रुप है ये हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम सबके लिए है। देखिए जो बेसिक नोट्स होते हैं वो हिंदी इंग्लिश दोनों में बुकें हैं वो वाली, प्लस जो मैं टेस्ट सीरीज़ देता हूँ ये हिंदी इंग्लिश दोनों में ही रहती है, और एक साथ काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, और प्लस इसमें और भी काफ़ी सारे नोट्स हैं मेरे पास, वो मैं टाइम टू टाइम देता रहूँगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज डू लाइक एंड शेयर। और हाँ, ये और एक चीज़ बता दूँ आपको, देखिए जो वेबसाइट है ना हमारी, ये जो जीके सामान्य ज्ञान वाला पेज है, इस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यूपीएससी के लिए दे रहे हैं या यूपी पीसीएस के लिए, इन्वायरमेंट के पूरे नोट्स का यहाँ पे आपको समरी मिल जाएगा, पॉलिटी लक्ष्मीकांत की समरी मिल जाएगी, हिस्ट्री वाले ये नोट्स हैं, टॉप 1600 पॉलिटी के क्वेश्चन यहाँ पे हैं, मिडिवल हिस्ट्री की समरी एनसीईआरटी यहाँ पे है, और आपके लिए मेन चीज़ है बिपिन चंद्रा की हिस्ट्री में समरी, और एंशियंट इंडिया की टोटल जो एनसीईआरटी की समरी है ये, ठीक है? एंशियंट इंडिया मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट ये जरूर आप देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपसे मैं कह रहा हूँ। प्लस फिजिकल ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी फैक्ट ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री टॉप 600 जो लोग कहते थे उनकी पीडीएफ अपलोड कर दी गई। यूपी पीसीएस के और भी बहुत सारे नोट्स आने वाले हैं, कोई आपका फीडबैक हो, आपको मेरे किसी भी टाइप के नोट्स चाहिए तो बताइएगा, मैं यहाँ पे अपलोड करवा दूंगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज डू लाइक एंड शेयर।